सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तमन और आप देख रहे हैं लेजेंड्स बॉडी बिल्डिंग यूट्यूब चैनल। से दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से काफी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। उससे पहले एज ऑलवेज चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी पहली बड़ी अपडेट की ओर, जो की आ रही अपने मसूद भाई की ओर से। सो दोस्तों, मसूद भाई भी कम्पीट करने वाले हैं अमेचर ओलंपिया शो में बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी से। सो दोस्तों, जिन्होंने अपने बैक का लेटेस्ट अपडेट शेयर कर दिया है, आप इनकी बैक देख सकते हैं कि इनकी बैक काफी ह्यूज और काफी ज्यादा कंडीशनिंग में लग रही है। आप इनके लैट्स मसल देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा खुल रहे हैं। बस ये अपनी लोअर बैक और लोअर लैट्स मसल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कर ले तो ये काफी ज्यादा कॉम्पेटिटिव साबित हो सकते हैं अमेचर ओलंपिया शो। बाकी दोस्तों, आप सभी की क्या ओपिनियन है मसूद भाई को लेकर नीचे कमेंट में तो मुझे बता ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है अपने मनोज पाटिल भाई की ओर से। दोस्तों, जैसा की आपको पता हो कि मनोज पाटिल भाई को इंजरी हो गई थी कुछ समय पहले, जिस कारण वह मुंबई वाले प्रोजो में कम्पीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी कितने ज्यादा कमेंट रहे थे कि आप सभी को मनोज पाटिल भाई की अपडेट चाहिए। सो दोस्तों, मनोज पाटिल भाई की लेटेस्ट अपडेट लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। आप देख ही सकते हैं कि मनोज पाटिल भाई प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। आप इन्हें फ्रंट से देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे हैं। इनका एब्डोमिनल एरिया भी क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। आप इनके हाथों पर वेन्स भी देख सकते हैं जो की काफी ज्यादा पॉप आउट हो रही है, और आप इनकी बैक भी देख सकते हैं जो की काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, और आप इनकी बैक की प्रत्येक मसल भी देख सकते हैं जो की काफी ज्यादा विजिबल हो रही है। दोस्तों, मनोज पाटिल भाई को 4 से 5 हफ्ते हो गए हैं वर्कआउट करे और प्रॉपर डाइट करे हुए। सो दोस्तों, अभी भी इनकी कंडीशनिंग काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। सो दोस्तों, मनोज पाटिल भाई अपने इंडिया के प्रो बॉडी बिल्डर में से एक है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी भाई लोग मनोज पाटिल भाई के लिए प्रे करें ताकि वह जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके और वह फिर से अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। सो दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मनोज पाटिल गेट वेल सून तो लिख ही सकते हैं, जिससे कि मनोज पाटिल भाई को एक छोटी सी मोटिवेशन मिल सके। गेट वेल सून ब्रदर। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है अपने रवि पवार भाई की ओर से। सो दोस्तों, रवि पवार भाई भी कम्पीट करने वाले हैं अमेचर ओलंपिया शो में मैन फिजिक की कैटेगरी से। सो दोस्तों, इन्होंने भी अपना लेटेस्ट अपडेट शेयर कर दिया है। आप देख ही सकते हैं कि रवि पवार भाई कैसे लग रहे हैं। सो दोस्तों, आप इनके चेस्ट और शोल्डर की सेपरेशन देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, और आप इनका एब्डोमिनल एरिया भी देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा कंडीशनिंग में लग रहा है, और आप इनके चेस्ट में फाइबर भी देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा विजिबल हो रहा है। सो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का प्रो कार्ड तो रवि पवार भाई ही लेकर जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रवि पवार भाई इस बार एक तरफा फिजिक लेकर आएंगे अमेचर ओलंपिया शो में। बाकी दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस बार कार्ड कौन जीतेगा, नीचे कमेंट में तो चर्चा कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो कि आ रही है अपने राहुल फिटनेस भाई की ओर से। दोस्तों, राहुल फिटनेस भाई भी कम्पीट करने वाले हैं मुंबई वाले प्रो शो में। इन्होंने भी अपना एक लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया है। आप भी देख ही सकते हैं कि राहुल फिटनेस भाई कैसे लग रहे हैं। आप इनके चेस्ट और शोल्डर देख सकते हैं जो की काफी ज्यादा 3D लुक में नजर आ रहे हैं, और इनके आर्म्स भी काफी ज्यादा ह्यूज लग रहे हैं, और आप इनकी शोल्डर टू वेस्ट रेशियो भी देख सकते हैं, और इनकी चेस्ट में काफी ज्यादा फुलनेस भी दिख रही है। सो दोस्तों, आप इनके एब्स मसल भी देख सकते हैं जो की काफी ज्यादा पॉप आउट हो रहे हैं। और बात की जाए इनकी बैक की, जो कि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इनकी बैक की प्रत्येक मसल देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा क्लियर रूप से दिखाई दे रही है। सो दोस्तों, आप इनके अपर और लोअर लैट्स मसल देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा खुल के बाहर आ रहे हैं, और आप इनकी लोअर बैक भी देख सकते हैं जो कि इनकी बैक को एक वी शेप देता है। सो दोस्तों, आपको इनका फिजिक अपडेट कैसा लगा, नीचे कमेंट में तो मुझे बता ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो की आ रही है अपने इंडियन कोर किंग वन एंड ओनली सिद्धांत जायसवाल सर की ओर से। सो दोस्तों, सिद्धांत जायसवाल भाई का एक फुल फिजिक अपडेट लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। आप देख ही सकते हैं कि सिद्धांत जायसवाल भाई कैसे लग रहे हैं। सो दोस्तों, अब की बार तो स्टेज पर धमाका होने वाला है, धमाका, क्योंकि दोस्तों अब की बार तो सिद्धांत जायसवाल भाई के साथ उनके कोच भी हैं। आप इनके चेस्ट और शोल्डर देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा 3D लुक में नजर आ रहे हैं, उनकी चेस्ट में फाइबर भी क्लियर रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनकी चेस्ट की सेपरेशन भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, और आप इनके ट्रैप्स मसल भी देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा ह्यूज लग रहे हैं। सो दोस्तों, बात की जाए इनकी एब्डोमिनल एरिया की, जिनके लिए जाने जाते हैं, तो दोस्तों अब की बार एब्डोमिनल एरिया और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और बात की जाए इनकी बैक की, तो इनका बैक का अपडेट भी आप देख सकते हैं कि इनकी बैक कितनी खतरनाक लुक में नजर आ रही है। इनकी बैक काफी ज्यादा डिप्लीटेड लग रही है और काफी ज्यादा वी शेप में लग रही है। तो दोस्तों, इनकी फिजिक को देखकर मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, मेरे सारे शब्द खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिद्धांत जायसवाल भाई इस बार प्रो का जीत पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन तो मुझे बता ही सकते हैं। और दोस्तों, आप में से जो लोग ये चाहते हैं कि सिद्धांत जायसवाल भाई इस बार प्रो कार्ड जीते, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिद्धांत जायसवाल विंस प्रो कार्ड जरूर लिखेगा, जिससे कि सिद्धांत जायसवाल भाई को एक छोटी सी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली अपडेट की ओर, जो कि आ रही अपने मुकेश गहलोत गुरुजी की ओर से। सो दोस्तों, मुकेश गहलोत गुरुजी पीक वीक में कैसी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इसको लेकर क्या कहते हैं, तो चलिए वह देख लेते हैं। दोस्तों, पीक वीक में आपकी ट्रेनिंग रहेगी, लाइट ट्रेनिंग रहेगी, रेपिटेशन रेंज 15 से 16 रैप रहेंगे, एक्सरसाइज 3 से 4 एक्सरसाइज एक बॉडी पार्ट की काफ़ी है,
यानी आपका टोटल वर्कआउट 30 से 40 मिनट का रहेगा वेट ट्रेनिंग का। आप कार्ब डेप्लीशन फेज में, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेनिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा हैवी वेट पे नहीं जाना है, और पोजिंग ज़्यादा करना है। पोजिंग के कम से कम 4-5 सेशन 15 से 20 मिनट के आपको डेली करने हैं, और जब कार्ब लोड करेंगे उस टाइम पे पोजिंग ही ज़्यादा करना, आपने वेट ट्रेनिंग बंद कर देंगे। थैंक यू। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल किसी और नई वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको यहां पर कॉन्ट्रोवर्सी कम और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलती है। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टिल देन टेक केयर एंड बाय।